हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर में। मातरम सर्वभूता नाम गावोह सर्व सुखम, सभी जीव जंतुओं की माता गो माता है और सभी को सुख प्रदान करने वाली ये जो जननी है उसको आज वीडियो में आप देख पा रहे हैं। कप्तान लंबड़दार सर हैं गांव रायचंदवाला से और देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जींद के अंतर्गत इनका गांव आता है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गोधन की जो इन्होंने एक और समाज के सामने जो श्रेष्ठ उदाहरण जो इस वीडियो के माध्यम से हम पेश करेंगे वो आप देखें कि किस तरह से जो डिस्कार्डेड एनिमल कहा जाता है सरकारी फार्मों के द्वारा, सरकारी फार्म जो हैं वो जब इनकी लाइफ पूरी हो जाती है या इनमें शारीरिक क्षीणता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो जब उसकी नीलामी जब करते हैं और उसके बाद एक तरह से सरकारी फार्म के लिए ये कहीं ना कहीं इनकी उपयोगिता नहीं रह पाती है, उन गायों को लेकर के आए हैं, तो ये काफ़ी श्रेष्ठ हमें उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो कप्तान सर नमस्कार, पहले तो आप सब राम राम, राम 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 भाई बताएं और सभी दर्शकों को जो अपनी वीडियो देखते हैं, हाँ सभी अपने देशवासियों को नंबरदार ऑर्गेनिक फार्म की तरफ से राम राम। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा और बताना चाहूंगा सुपर नेपियर एक ऐसा हरा चारे की उपलब्धता आपने पूरे भारतवर्ष की और तकरीबन हर राज्य को करवाई है। जहाँ पर चुनौतियाँ हरे चारे की रहती थी, पीछे आप देख सकते हैं सुपर नेपियर की जो नर्सरी है। तो बताएं कि जो गोधन के प्रति आपका रुझान और किस तरह से इनकी व्यवस्था आप कर रहे हैं। तो भाई वैसे तो पहले भी हम हिंदू धर्म में है, गाय आस्था है, ठीक है, लेकिन आपकी वीडियो देख देख के हमारे भी कुछ अलग से दिल में उठा कि हम भी गायों के प्रति एक सेवा भाव से हम लेकर आए हैं, सेवा करेंगे। तो जिस आदमी के पास में अगर सोरस है और उसका दिल करे है तो सेवा करने के लिए, तो उसने वो काम कर लेना चाहिए। अपने पास में ग्रीन फोडर पर्याप्त मात्रा में है, हाँ। और सब जगह है और अपना दिल करा था, एक लेबर भी है अपने पास में जिस तरह काम करने के लिए, लेबर की बजाय केयर टेकिंग स्टाफ अगर कहें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है कि यही व्यवस्था को संभालते हैं। हाँ जी, फिर जिस तरह हम भी एक जैसे पूरे दिन कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया, जैसे सुबह अगर आदमी फ्री होकर आधा घंटा भी इनके ऊपर को हाथ फेरेगा तो एक पॉजिटिव एनर्जी के जरिए हमारे अंदर आएगी। बहुत बढ़िया, तो ये सब सोच के खासकर तो आपकी वीडियो के ही लगाव से बार बार देखने से फिर मन में आई क्यों नहीं हम भी कुछ अलग से साथ में काम करें, जो एक सारा काम करने के लिए होता है कि ये दिल की शांति के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत फिर हम इनको लेकर आए, तब ये बहुत ही कमजोर थी, तब हम ले आए इनको, अब इनकी जिस तरह सेहत ठीक हो गई है, पहले अभी देखें सेहत काफी अच्छी लग रही है। ये देखें आप, देख सकते हैं 12 बार ब्याह चुकी है, अब 13वीं बार डिलीवरी, ये देखें 12 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है, लेकिन फिर भी जो बुढ़ापा है या जो शारीरिक कमजोरी है वो हमें इस पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और मैं इसका एक रिकॉर्ड आपको झलक के तौर पर जरूर बताना चाहूँगा, टैग नंबर आप इसका देख सकते हैं। छोड़ दे कान ना पकड़ें, 1600 1621 2666, और जो इसका सरकारी जो नंबर है वो मैं थोड़ा उधर से दिखाना चाहूँगा, ये देखें H340, ले आए फोन ले आए H340, ये देखें आप H340, और इसका जो सरकारी जो रिकॉर्ड है ये देखें, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ये देखें, ये उस समय सर्टिफिकेट बना करके दिया गया है, ये देख सकते हैं वेटनरी सर्जन के द्वारा जब नीलामी में इन गायों को निकाला गया, H340 नंबर की ये गायें, और देखें दूध उत्पादन क्षमता है एक ब्यात में 301 दिनों में 23.76.5, 2376 किलो प्रति ब्यात में जो इसने दूध दिखाया है, ये देखें आप 12वें ब्यात में, ये देखें लैक्टेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और लैक्टेशन नंबर, ये देखें 12वें ब्यात में डेट ऑफ बर्थ जो इस गोधन की है 9/1/2005, तो तकरीबन 15 साल इसकी उम्र हो चुकी है, 12 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है और इस बार 13वीं बार ग्याबिन है, तो तकरीबन कितने दिन बचे हैं इसके 3 महीने बाकी, 3 महीने और बचे हैं, हाँ। अरे बहुत बढ़िया, ये देखें अभी इसकी सेहत बहुत बढ़िया हो जाएगी, हाँ हाँ 3 महीने के बाद तो और भी ठीक है। तो बताएं आपकी सुपर नेपियर का ही जो गुणवत्ता आपको देखने को मिली वो बताएं। जीतू भाई बहुत ही बढ़िया, मैं इसका चारा है इसके अंदर प्रोटीन एक अच्छी मात्रा में है, हाँ जी, और साथ में हम थोड़ा बहुत फीड भी देते हैं, हाँ हाँ, और थोड़ा बहुत कितना, बस 1-2 किलो, 1 किलो, हाँ बस यही प्रतिदिन का, प्रति और बस सुपर नेपियर, बाकी सुपर नेपियर खा के मस्त रहती हैं,
और ये देखें, कहीं से अगर आपको कमजोर कुपोषित या हड्डियां अगर आपको चमक रही हैं तो जरूर बताएं। ये देखें भरमार में सुपर नेपियर इनको खिलाते हैं, क्योंकि आपके पास बीज जब आप इसको बनाते हैं तो गोला बहुत बच जाता है ऊपर का। हाँ, पत्तियां नीचे की जो स्टेम है वो हम निकाल लेते हैं सीड के लिए, और जो ऊपर वाला होता है वो हम गायों को खिला देते हैं आराम से। बहुत बढ़िया, ये देखें उसके बाद से आप खा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये देखें बहुत बढ़िया। तो बहुत ज्यादा कोई इनके ऊपर आर्थिक दबाव या आर्थिक प्रेशर भी नहीं आया है। इन गायों को आप देखें, सुपर नेपियर इनको भरपूर मात्रा में खिलाया जाता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत एक डेढ़ किलो आप फीड भी देते हैं। ठीक है, फीड में क्या देते हैं आप? फीड में जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्की, जो मिक्स करके ही डालते हैं वो। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका गोधन के प्रति रुझान हुआ तो आपने हरियाणा नस्ल को ही क्यों चुना? नहीं, अपने मूल नस्ल, वैसे तो देखो देसी नस्ल सभी भारतवर्ष की ही है, सभी भारत की ही है, लेकिन अपनी मूल निवासी क्षेत्र की नस्ल है जो हरियाणा ही है। वो देखें, ये देखें काफी अच्छी हरियाणा नस्ल की गोधन, नाराज ना हो, बस 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 बस। ये देखें इसका जो नंबर है H 556, H556, ये देखें आप। और इसका मैं दूध उत्पादन क्षमता आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, ये देखें आप H556। और इसकी जो सरकारी आंकड़ों में जो दूध उत्पादन क्षमता 301 दिनों में जो देखने को मिली 2282, और ये कौन से लैक्टेशन में है? 8वें लैक्टेशन में है। तकरीबन 13 साल पहले इसने जन्म लिया था, 13/6/2007 को। ये देखें आप जीतू भाई, मैं एक बात बोलना चाहूँ। बताएं जीतू भाई, मैं गाय सेवा के लिए ले आया हूँ, बाकी इनका आशीर्वाद से या किस लाइन में लेकर जाती हैं वो इनका अपना आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर। मैं कोई भी अपना ब्रीडिंग का दूध का पर्पज या और कोई गोरख कुछ सोच के नहीं ले आया हूँ। ठीक है, मैं ले आया हूँ ओनली इनका सेवा भाव से, और इनके सानिध्य में आप रह सके, बाकी इनसे एक सकारात्मक ऊर्जा को आपकी प्राप्ति हो। बाकी अब इनका ये जाएंगी, बच्चे होंगे काफी इनके, बड़े इनका परिवार बड़ा हो जाएगा, वो इनके आशीर्वाद से फिर चलता रहेगा। तो ये देखें काफी हसमुख चेहरे हैं, और अभी देखो एक बात और, वीडियो से काफी प्रभावित हुए हैं जी। तो भाई हरियाणा नस्ल, जैसे अब ले आए हम इसकी शेड बनवाएंगे, जैसे एकदम सर्दी आ गई, शेड बनने का टाइम नहीं था। हाँ जी, तो हमने जो जहाँ पर लेबर कार्य करती है, हमारा सीड का काम चल रहा है, उसके अंदर ही हम बांधना शुरू कर दिया है। सर्दी होती है रात को, ठीक है ठीक है, जैसे अब फ्री टाइम होगा थोड़ा, उसके बाद हम यहाँ इनको खुला रखने का सिस्टम, शेड का भी, बाउंड्री का भी, वो आप नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करना एक कोशिश रहेगी कि बहुत ही अच्छा इनको प्रबंध करें, खाने का, पानी का सब सिस्टम सेट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये एक और है जो गोमाता यहाँ पर देख पा रहे हैं, H663, और ये देखें H491। तो ये गोधन है, इसका भी H491 का भी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो एक ब्यात का है यहाँ पर 2000, ये देखें छाया करके दिखाना मैं चाहूँगा, ये देखें 2089.5, 336 दिनों तक इसने दूध दिया है, और H491 को यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया जीतू भाई, ये देखें अब ये बुजुर्ग हो चुकी हैं या फिर कहीं कोई त्रुटि इनमें आई है। और ये देखें मीणी सिंग, सिंगों की जो बनावट है नीचे की ओर है, और हष्ट पुष्ट इसका शरीर है। इस गोधन को देखें। हाँ जी बताएं। तो भाई पहले बहुत थोड़ा ये एग्रेसिव टाइप में थी, क्योंकि वहाँ खुली रहती थी। अब जैसे जैसे इनके पास में खोलना बांधना होता है, अब देखो इनको जैसे हाथ लगाते हैं, अब ये ठीक है, शालीनता भी होगी इनके। आपको आपको स्वीकार कर लिया है, शुरू में आई तो नहीं हाथ लगाने देती, आगे से भी और पीछे से भी करती थी, ये देखिए, लेकिन अब भी नहीं कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कप्तान लंबड़दार सर हैं, गांव रायचंद वाला, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा से। इन गाय माता के ही आशीर्वाद से देखो आप कितनी, ऑफ सीजन में भी एक कार्य चल रहा है, ये देखिए मैं दिखाऊंगा सुपर नेपियर, क्योंकि सर्दियों में जो है उतनी नहीं उगती है, जो इसका लगाने का जो समय होता है वो कब होता है? वो 1 फरवरी से लेकर अक्टूबर तक। लेकिन फिर भी आपके पास बल्क में काफी ऑर्डर आया हुआ है। ये गुजरात और महाराष्ट्र में भेजते हैं हम। अच्छा, जहाँ पर ठंड नहीं होती। हाँ, तापमान, मैं सभी को मना करता हूँ भाई जी, अब अपने उत्तर भारत में ठंड होगी है, अब मत लगाओ। तो ये देखें यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखें, ये देखें, तो ये जड़ें हैं यहीं से विकसित, ये सुपर नेपियर घास होती है। हाँ जी, टेस्ट के हिसाब से मक्खी आती है, देखो। हाँ,
ये मक्खियां ही हुई है मीठा मीठापन इसके अंदर मीठापन है इसलिए मक्खियां यहाँ पर देख सकते हैं। सुपर नेपियर का ये जो बीज इन्होंने तैयार कर दिया है तो काफी बल्क में तैयार कर रहे हैं। कहाँ जाएगा ये? ये गुजरात जाएगा भाई। गुजरात जाएगा, बहुत बढ़िया। गुजरात में कौन श्रीमान है? गुजरात में काफी हैं जो कई कई एकड़ का ले रहे हैं। अच्छा, ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक नीलेश भाई हैं। अच्छा, नीलेश भाई हैं गुजरात से। और ये देखें, गायों की अभी जो टेम्पररी व्यवस्था जो की गई है वो यहाँ पर की गई, बैम्बू हाउस बनाया गया है। और ये जो कट्टों का ये आवाने न आए तो एक कट्टे का तकरीबन 10 रुपए, 12 रुपए की कॉस्ट आई है। अच्छा, एक कट्टे का, ये जो कट्टा है ये 12 रुपए का। फिर अपने कट्टे गिन लो और उतना बड़ा आप बनवा लो तो कुछ भी नहीं। 12 दुनी 24 36 ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं आई। और हाँ, तकरीबन देखा जाए तो जीतू भाई देखो, हाँ। टेम्परेरी काम के लिए हमने दादरी से ये भी मंगाई। अच्छा, खोर मंगवाई, हाँ। है गोधन के लिए, हाँ। जैसे हरा चारा भी डालते हैं, सूखा, हाँ, भी डालना है, सूखा भी डालते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर आपने सुपर नेपियर ये देखें, बरमार में जो सुपर नेपियर है इन्होंने पुरजोर पिछले साल बताया था कि हरे चारे की जो एक स्थाई जो समाधान है, जैसे कटिंग कर देते हैं साथ की साथ में फुटा होता है। ठीक है, ये सब सुपर नेपियर फूट रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर ये पूरा इतना बड़ा विकसित, हाँ, हो जाता है। और उससे साइड में पीछे आ जाए तो आ जाए मैं फटाफट। आप ये यहाँ पर गायों को रखा गया है हरे चारे के ऊपर और बीजों के ऊपर काफी अच्छा। ये व्यक्तिगत तौर पर जो अनुसंधान करते रहते हैं, ये देखें ज्वार का बीज, हाँ जी, ये अभी तैयार करते हैं। काले गेहूं का भी बीज आपने तैयार किया था, हाँ, और ये अभी ज्वार का बीज तैयार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हम चाहते हैं कि मार्केट से नहीं लेना पड़े, हाँ हाँ। जो सामान अपने पास में अवेलेबल है हम अपने फार्म पे ही तैयार करें, फार्म पर ही तैयार करें। तो यहाँ जाएं, एक बार जाएं, इसके पास जाएं, हाँ, हाइट दिखाना चाहूंगा। ये देखें भव्य इसका साइज हो जाता है सुपर नेपियर। आगे आए, यहाँ से दिखाएं, पूरे हाथ उठा लें दोनों ऊपर। ये देखें, ये सुपर नेपियर का आप साइज जो देख पा रहे हैं तकरीबन 15 फीट के आसपास, 15 फीट के आसपास। ये देखें ये हाइट, तो हरा चारा आपको भरपूर मात्रा में अपने लिए, हाँ। जैसे सब्जी भी अपने यही फार्म पे तैयार करते हैं हम अपने लिए, जो ठीक भी है। और काफी प्रकार के चारे हैं अपने, ये देखें गाजर भी आपने उगाई हुई, हाँ, है और भी सारी चीजें, हाँ, सभी हैं इसके अंदर, हाँ। है शलगम भी देखने को मिल रही है, ठीक है, चना भी मिलेगा अपने, पालक भी मिलेगी, मूली, ठीक है। तो प्रगतिशील किसान है और बहुत अच्छा आपने, आप एक इस साइड घुमाना कैमरा, जैसे ग्रास भी है कई प्रकार के अपने पास में, गिन्नी घास है, रोड्स है, बहुवर्षीय ज्वार है, ईरामणी है, इस प्रकार सभी ग्रासों पे कार्य भी किया है, काम काफी अच्छा किया है। ये देखें, ये इसके बीज हैं, हाँ, इसके बीज हैं, ये बीज है, इनके बीज, ये देखें ये जो बीज है, हाँ, ये जैसे महीन जो बीज है, बीज कटाई करके बीज तैयार कर लेंगे, बीज तैयार कर लेंगे। ये कौन सी घास है? ये गिन्नी घास है, गिन्नी घास है, ये देखें गिन्नी घास का इनका पैच ऑफ लैंड। और ये देखें सुपर नेपियर, हाँ, ये सुपर नेपियर है। और ये वाली जो इतनी है ये ईरामणी है। अच्छा, ठीक है, ये जो सामने दिख रही है, हाँ, ये ईरामणी, और इसके साथ में जिंजवा, हाँ, वो जिंजवा सुपर नेपियर घास की जो बीज है जो तैयार किया है उसको यहाँ पर उगा दिया है। ये देखें आप डोलों के ऊपर लगा करके और फिर इसके अंदर जो मीठा पानी दे दिया है, तो हरे चारे की उपलब्धता ड्राई एरिया में भी हो जाती है, ये, हाँ, हो जाती है, ड्रिप से भी हो जाती, क्योंकि आप तो जींद में हैं और जींद में पानी की प्रचुर मात्रा है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नहीं, जो हमारा राजस्थान प्रदेश है, या ड्रिप से, उसके ड्रिप से हो जाती है, स्प्रिंग से। चलो बहुत बढ़िया, तो मैं आपसे, ये पीछे भी सुपर नेपियर है ये, हाँ जी, ये जो ताजा निकल रही है, ठीक है, तो आपके संपर्क सूत्र और बताएं। जीतू भाई, हाँ, 95,000-25,000 गाय को तो सेल करेंगे नहीं, नहीं, नहीं सेल के लिए, हाँ, नहीं, वो मैंने पहले बता दिया था, वो तो आपकी वीडियो से ही, हाँ, दिल में एक चीट उठी, हाँ, क्यों नहीं हम भी सेवा भाव से लेके आए हैं, सेवा करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत उसके बढ़िया, लिए कोई सेल परचेज के लिए कॉल भी नहीं करें, मैं आपसे सभी भाइयों से बोलता हूँ। 5 गोदन है अपने घर पे रखेंगे, बस अब इनका परिवार बढ़ता रहेगा इनके आशीर्वाद से। देखो ये कितना बड़ा परिवार करेंगी, वो इनका कोशिश है भाई, ठीक, बाकी टाइम का पता नहीं होता। मैं आपसे दोबारा बोलना चाहूंगा, मैं एक सेवा भाव के लिए ले आया हूँ, न सेल परचेज का, न कोई ब्रीडिंग के लिए, न दूध के लिए, बाकी इनका जो, लेकिन फिर भी अगर अच्छा नंदी की व्यवस्था, हाँ, अगर आप करते हैं तो हम काफी उच्च कोटि की नस्लें इनसे ले पाएंगे, हाँ, ठीक मैं है, एक बात बोलना चाह रहा हूँ, वो तो इनके आशीर्वाद से, हाँ, ये किस लाइन में ब्रीडिंग का काम करवाऊंगी, क्या करवाएंगी, दूध का लेकर जाएंगे, अकबर रामदेव वाला गोरख का काम करवाएंगी, वो देखो इनका आशीर्वाद पे ही है, बहुत बढ़िया, सब इनके ऊपर छोड़ रखा है। तो संपर्क सूत्र बताएं, आपके जो संपर्क सूत्र कोई आपसे जानकारी, 95,000
2588 और कोई दूसरा संपर्क सूत्र 95,000 2571। तो दो संपर्क सूत्र दिए हैं, कप्तान सर हैं गांव रायचंद वाला से, और काफ़ी अच्छी इनकी सेवा भाव हमें देखने को मिला। हरे चारे की उपलब्धता में इन्होंने जो एक नया कीर्तिमान सुपर नेपियर के माध्यम से जो रचा, उसके लिए इनकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए उतनी कम।